ऑपरेशन विजय कारगिल में अहम भूमिका निभाने वाले चीन बॉर्डर के अनुभवी पूर्व छाताधारी सैनिक एवं गैर राजनीतिक देशव्यापी अभियान ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह आईपी ने देश की सीमा की रक्षा हेतु शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को हुई असहनीय क्षति एवं पीड़ा को सहने की शक्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं सेना प्रमुखों से अनुरोध करते हुए कहा कि आज जब हमारे सैनिकों के साथ चीन ने जो विश्वासघात कर इतनी भारी क्षति पहुँचाई है वह देश के लिए असहनीय है। ऐसी स्थिति में हम अपने लद्दाख क्षेत्र में सेना सर्विस के दौरान प्राप्त किए अनुभव को देश हित में इस्तेमाल करने के लिए चीनी सेना के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। इसमें हमारा साथ देने के लिए हमारे पूर्व जाबाज सैनिक भी हमारे साथ हैं। उन्होंने देशवासियों से यह भी अनुरोध किया कि आज हमारा देश बहुत ही गंभीर संकट में है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है, वहीं हमारे पड़ोसी देश सभी तरफ से हमें आंखें दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देशवासियों को एकजुट बिना शर्त सेना और सरकार का साथ देना होगा, तभी भारत अपनी दुश्मनों एवं कोरोना महामारी को पराजित करने में सफल होगा। मैं शिव मंगल सिंह, पूर्व छाताधारी सैनिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए जाबाज सैनिकों को नमन करते हुए उनके खोने से हुई असहनीय उनके परिवार को पीड़ा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस असहनीय पीड़ा एवं संकट से उनके परिवार को उबारते हुए शहीद सैनिकों की आत्मा को शांति दें। साथ ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के कमांडरों से यह अनुरोध करते हैं कि हमने देश की रक्षा के लिए करीब 15 साल सेना की स्पेशल शत्रुजीत पैरा ब्रिगेड में सेवाएं देने के बाद हमारे देश के साथ हमेशा घातक तरीका अपनाते चीन के सैनिकों को सबक सिखाने के लिए 2 साल लद्दाख में चीनी बॉर्डर पर रहकर जो हमारे दिल में इच्छा थी कि एक मौका मिले और हम चीनी सैनिकों को सबक सिखाएं, उस सर्विस के दौरान हम अपने पास उनको सबक सिखाने के लिए यह हथियार रखते थे। साथ ही हमारे सैनिकों के ऊपर आंच न आए और हम अपने सैनिकों एवं देश के लिए कुछ कर सकूं, इसके लिए अपने बचाव के लिए भी हम इन अस्त्र और शस्त्रों का इस्तेमाल करने की दिल में इच्छा वहां थी, परंतु एक अनुशासित सैनिक होने के कारण जब हमें सेना द्वारा ऐसा मौका नहीं मिला तो हमने अपनी तरफ से उन्हें सबक सिखाने जैसा कोई कदम नहीं उठाया। परंतु आज जो चीनी सैनिकों ने हमारे देश के सैनिकों के साथ जो जघन्य अपराध किया है, उसके तहत आज हमने अपने लेह लद्दाख सर्विस के दौरान रखने वाले हथियारों को दोबारा उठाया है और सेना प्रमुख से ये अनुरोध करते हैं कि हमें उन चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए चीनी बॉर्डर पर जाने की अनुमति दें, जहां पर हम अपने 2 साल के अनुभव के तहत उन चीन के सैनिकों को सबक सिखाने के लिए देश के लिए कुछ कर सकूं। साथ के जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो हमारे साथ वहां पर रहे, उन्होंने हमें बताया कि आप अनुमति लें, हम सभी लोग निस्वार्थ बिना पैसे के
जब तक उनको सबक नहीं सिखाया जाता है चीन बॉर्डर पर रहने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। साथ ही हम इस समय समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि हमारा देश इस समय बहुत ही गंभीर संकट में है, जहां एक तरफ कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है, उसी दौरान हमारे देश के ऊपर पलने वाले हमारे पड़ोसी देश चौतरफा हमें आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में सभी देशवासियों को एकजुट होकर भारत सरकार व सेना का साथ देकर इन गद्दारों